आप गाली दीजिएगा, हम बैठे हुए गाली आपके सुनने के लिए, जाना है जाइए। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में काफी हंगामा हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर परिषद और सभा दोनों जगह पे हंगामा हो रहा है। लगभग 3 दिन हो चुके हैं, यानी आज तीसरा दिन पूरा होने वाला है और सदन की कार्यवाही 2 से 3 घंटे भी नहीं चल पाई है। विधान परिषद में भी कल राबड़ी देवी ने जो बयान दिया उस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ। वही अशोक चौधरी राबड़ी देवी पर हमलावर रहे। राबड़ी देवी जैसे ही सदन के बाहर निकली काफी भावुक थी और उनका कहना था कि माननीय सदस्य के द्वारा अनपढ़ कहा गया है। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने सदन में किस प्रकार से राबड़ी देवी सहित राजद के तमाम विधान पार्षद को विधान परिषद को खड़ी खोटी सुनाई है, देखिए इस तस्वीर के जरिए सब कुछ बयां हो रहा है। किस तरीके से राबड़ी देवी ने कल अशोक चौधरी को दलाल बताया था, जिस बयान के बाद आज काफी हंगामा हुआ। समय दिया जाए, अपना ये मुझे अपनी बात को रखने का समय दिया जाए। नीरज जी कहता है मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, इसीलिए मैं मरमाहत हूँ। नहीं, सदन को ऑर्डर में लाइए, सभापति मदद सदन को ऑर्डर में लाइए, बिना चिल्ला चिल्ला के सदन को ऑर्डर में लाइए। हम अपनी बात को रखेंगे, हम ऐसे अपनी बात को नहीं रखेंगे। हम इस तरह से सदन चलाना चाहते हैं, हम लोग सदन चलाने भी नहीं देंगे। काम दिखाया है दुनिया देखता है, जो 15 साल में हम लोग काम किया है वो आज तक नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, चारा घोटाला करेंगे। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, असली छोड़कर आप लोग बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ बोले ही नहीं, आप लोग रिएक्ट कर गए। अभी जो भी बोलना है अनुमति लेकर के बोलना चाहिए। कल मीडिया पर भी आप बोले थे, कल सुबह हम नहीं कुछ बोले कि मीडिया पर बोले, मीडिया दिखाया कहाँ दिखाया, मीडिया पर केस कर दीजिए दिखाया तो। हम तो कहते हैं प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है करिए, करना चाहिए केस। देश और दुनिया देखता है टीवी या न्यूज या सब चीज क्या घटना हो रहा है। आप फिल्म पर गए कि झूठ, फिल्म पर कहे कि झूठ रहेगा, फिर के लोग देखेगा। 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज या 5 किलो गेहूँ मिलता है पूरे देश भर में और गरीब का मारा जा रहा है। 5 किलो अनाज से पेट भरेगा गरीब को, बाल बच्चा के उसका जिंदगी खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है, जिंदगी खराब, उम्र खत्म हो रहा है, कोई जॉब नौकरी नहीं मिल रहा है। होता तो एक जाति का नौकरी होता है, एक जिला का नौकरी होता है, नहीं बोलते हम लोग ऐसे। अब दबाइएगा, जबान काटिएगा। चारा घोटाला पूरा घोटाला तो इसमें हुआ है, 400-500 घोटाला इसमें हुआ है। सुन लिया जाए, बीजेपी के सरकार में ऑर्डर हाउस को लाइएगा, ऑर्डर निकाला। हमको दुख लगा, हमको भी दुख लगा। नीरज जी बोले क्या बोला, आप अपनी बात बोलिएगा, आप समय लीजिए, सभापति से बात बोलिए, अपनी बात को थोड़ी टकटी नहीं हो, अपनी बात बोलिए। आए दिन तीन तहरा मोटा हो रहा है, बोलिए बैठिए, बोलने दीजिए तो। अभी तो बात आई नहीं, सुनना तो चाहिए ना भाई। अभी तो हम भी नहीं सुनते क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, हम भी नहीं जाने। 5 किलो वही पर जिंदगी तुम सब का उपयोग किया हाँ। तो उस दिन हम लोग को ग्राम नहीं लगा, और हमने बोला आप गार्जियन है, आप बाहर जाइए और हमको ये ठीक नहीं। वैसे मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा हो रही है जो सदन के पूरे ठीक नहीं है, महोदय जो व्यक्ति आसन की संविधान की नहीं रक्षा कर सकते उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। 4 ही साल सभापति महोदय, सदन को ऑर्डर में लाया जाए, हम आपसे सदन के प्रशासन की मांग करते हैं, सदन को ऑर्डर में लाया जाए, हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ, मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, मैं अपनी बात को सदन के अंदर रखना चाहता हूँ। समझ गए, आप समझ गए क्या बोलना चाहते हैं, तो बोले साहब महोदय, उंगली दिखा दिखा करके बिहार के महोदय आसन की ओर से अभी सुने ना सब आदमी क्या बोले। अभी ये माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर रहे थे, कौन सी बातें किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा सदन में कही जाएगी वो असंसदीय है कि संसदीय है ये आसन निर्णय करता है। लेकिन हम माननीय सुनील जी से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह का
आप निर्णय नहीं लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कहा वैसे कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा ये आसन देख रही है, नहीं देश के देखने से आसन देखा कि नहीं, आसन ने कोई नियमन दिया क्या महोदय? आसन ने कोई नियमन तो दिया नहीं। एक बात कहते हैं, सुन लीजिए सुनील बाबू, ए सुनील बाबू जरा बैठिए। आप कहते हैं उंगली दिखा करके बता, आप भी बोलते हैं ऐसे ऐसे करके बोलते हैं उसको उंगली दिखाना माना जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री दोनों ऐसे करके बोल रहे थे, उंगली दिखाना नहीं माना जाएगा? ये भाषण देने की एक भंगिमा है, ये भाषण देने की एक भंगिमा है, दोनों उंगली ऐसे ऐसे करके देना, उंगली दिखाना नहीं माना जाएगा। माननीय सभापति महोदय, बिहार विधानसभा में कोई चर्चा होती है तो उसको बिहार विधान परिषद में वो चर्चा का विषय बनाना, ये कोई इसका कोई औचित्य नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे हैं आपके माध्यम से महोदय, कौन है इस सदन के नेता? नाम से हाउस चलेगा सर, बोलिए किस महोदय ऐसे हाउस है वो? कोई बात नहीं, ये लो हर चीज में उठ करके भाषण देता है, बात को सुनने को तैयार नहीं है। आप प्रबुद्ध हैं, अगर पहले तो आप बोल सुने क्या बोलना चाहते थे, क्या बोले बोलने तो दीजिएगा, आप बोलना भी रोक दीजिएगा। भाव आप बहुत समझते हैं लेकिन भाव नहीं चलेगा। भाव समझ गए तो बोलने नहीं दीजिएगा, भाषा सुन लीजिए। भाव समझ गए तो आप हाउस को डिक्टेट करिएगा, आप बोलने नहीं दीजिएगा हाउस पे किसी को, किसी को किसी को किसी को गाली गाली दीजिएगा और वो अपने बात को एक्सप्रेस भी नहीं करेगा हाउस में। गाली कौन दे रहा है? बोलते दीजिए ना, कौन दे रहा है? अरे बोलने दीजिए ना, बताते हैं गाली कौन दिया, कौन दे रहा है गाली? बोलने तो दीजिए भाई, बोलिए क्या रखना चाहते हैं आप तो समझ गए होंगे। हम क्या जानते हैं, कानून जानते हैं हम तो नहीं समझे, इसलिए उनको यही करते हैं। सभापति महोदय, दिनांक 16 तारीख को, 15 तारीख को, पंद्रह तारीख को सेकेंड हाफ में बहस चल रहा था उद्योग विभाग पर, और जिसमें उस उद्योग विभाग के बहस में जिसमें सुनील जी माननीय विधान परिषद के हमारे सदस्य बोलते बोलते उन्होंने विधान परिषद में जो घटना घटी थी स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच में उस विधानसभा में उसकी चर्चा यहाँ पर करने लगे। जब उस पर चर्चा करने लगे तो हम वहाँ बैठे थे, हमने कहा कि इस तरह के किसी भी कार्रवाई को, विधानसभा के कार्रवाई को विधान परिषद में आप नहीं ला सकते हैं। माननीय राजेंद्र गुप्ता जी सभापति के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में सभापति के चैम्बर कुर्सी पर बैठे थे, आसन पर बैठे थे, और हमने उनको कहा कि सर विधान परिषद के किसी भी कार्य संचालन नियमावली से विधानसभा और विधान परिषद चलता है, आप उसके नियमावली में देखिए, विधानसभा में जो इश्यू उठाया जाता है उसको बिना परमिशन के आप यहाँ विधान परिषद में सभापति के नहीं उठा सकते हैं। तो माननीय सभापति ने नियमन दिया कि आपको कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं आएगी और इसको इससे हटाया जाता है। उसके बाद सुनील जी ने कहा कि नहीं हटाया जा सकता है, एक तो सभापति के आसन को चैलेंज करना, हमने आसन पर नहीं बोला महोदय, मेरी बात आप जवाब दे, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा जवाब देने का, जवाब देने का मौका मिलता है। ऐसा है कि इस पूरे विधान परिषद के कार्यक्रम को और इसको पूरी तरह से इसका प्रसारण होता है और रिकॉर्डिंग होता है, इसीलिए कोई बात अगर बैठिए ना भाई, सुनिए ना, बहुत पढ़ा लिखा और बहुत समझदार आदमी है, बैठिए आप बैठने बोलने दीजिए ना सुनील जी, आप इस तरह से नए हाउस चला सकते हैं, आप डिक्टेट नहीं करिए, आप अपनी मेरी बात को रखने दीजिए। बिल्कुल है, राजनीति में संख्या का बल बहुत इंपॉर्टेंट है, और विधान जाइए जाइए तो आपके गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आपका गाली सुनने के लिए हम बैठे हैं क्या? आप गाली दीजिएगा, हम बैठे हुए यार, गाली आपकी सुनने के लिए, जाना जाइए जाना जाइए। बिल्कुल राजनीति में, लोकतंत्र में सत्ता और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभापति महोदय बैठिए बैठिए, सुनने दीजिए, हाँ चलिए अपनी बात को समाप्त कीजिए। अरे बैठाइए ना सभापति महोदय, बैठिए, अरे अनुमति बिना लिए बोले, अनुमति तो लीजिए, इनकी बात नहीं, पढ़ा लिखा आदमी, अनुमति तो लीजिए। दुनिया सभापति महोदय, उस डिस्कशन के दौरान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे दलाल शब्द के का प्रयोग किया, दलाल शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि आप सत्ता की दलाली करते हैं और सत्ता के दलाल हैं और आप इधर से उधर करते हैं। ये जानकारी उस समय मुझे नहीं मिल पाई थी, उस समय ठीक है बैठिए, ये बोला गया था आप सत्ता के दलाल मत बनिए,
ठीक है, सत्ता के दलाल मत बनिए, सत्ता के दलाल। अरे बैठिए ना सुनील जी, अरे बैठिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। आप अकेले किसी को बोलने नहीं देते हैं, ये नहीं सरकार वाली चीज है, बोलने दीजिए, बोलते हैं तो कोई बात समाप्त करने दीजिए। सत्ता के दलाल के शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन हाउस में सभापति महोदय, हाउस में क्योंकि इतना हंगामा हो रहा था उस समय, हमने इस शब्द का हमको सुनाई नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन पूरे सोशल मीडिया में और पूरे जगह इस बात की चर्चा हुई, और सोशल मीडिया से पूरा समाज, जिस दलित महादलित समाज से हम आते हैं, वो आहत हुआ। और माननीय नेता ने जिस तरह से बड़ी बड़ी बात तो करते हैं राजनीतिक दल के लोग कि हम अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति को ताकत देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए शब्दों का किस तरह का प्रयोग करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं ब्रोकर का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है। अ ब्रोकर इज अ पर्सन हु जॉब इज टू बाय एंड सेल शेयर्स फॉर हिज मनी और गुड्स फॉर अदर पर्सन। एक दूसरा गो बिटवीन, इफ समवन एक्ट्स एज अ गो बिटवीन, दे टेक मैसेज बिटवीन पीपल हु आर अनेबल टू अनविलिंग टू मीट ईच अदर। मिडिलमैन, अ मिडिलमैन इज अ पर्सन और अ कंपनी दैट बाय थिंग्स फ्रॉम द पीपल हु प्रोड्यूस देम एंड सेल देम टू अदर पीपल और प्रॉफिट। हमको समझ में नहीं आया किस परिप्रेक्ष्य में हमको दलाल बोलने का काम किए इनके पास, क्योंकि इन लोगों ने तो कभी भी पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब रहा नहीं, इन्हों लोगों ने तो अपने शासन ने सभापति बोलने दिए। सभापति महोदय, अगर आप ऐसे हाउस चलाइएगा हम लोग सब फेल में आ जाएंगे, अगर हम यहाँ गाली खाने के लिए नहीं आए, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे, चलिए हम लोग भी आएंगे, आप भी फेल में आइए, आइए फेल में आइए, कौन मना कर रहा है, आपका गाली सुनने के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ, आपके गाली सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, आपके गाली सुनने के लिए हम नहीं आए हैं। जो लोग सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।